Sir, we are Seraphim Papers from Morbi. We manufacture specialty papers from 50 to 100 GSM. From BF range is 22 to 40. And generally our supplies high quality test liners, virgin based, for paper bag manufacturing, for wrapping segments, and for food grade, direct food contact items. So generally we are manufacturing 150 tons per day. Our manufacturing capacities, and we are now on our complete fully equipped. आज की डेट में थोड़ा ये हो रहा है कि ओवर कैपेसिटी से बहुत परेशान है पेपर मिल, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? सर, अभी फ़िलहाल जो ओवर कैपेसिटी है वो एक स्पेसिफिक सेगमेंट में है, फॉर एग्जांपल कॉरुगेशन है या फिर जो भी. अगर आपके पास 4, 5, 10 अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है, देन यू नो नीड टू फियर कि डिपेंड अपॉन द स्मॉल क्वान्टिटीज़. अगर एक ही प्रोडक्शन रेंज का आपके पास बड़ा क्वान्टिटी है, देन यू नीड टू फियर कि आप कहाँ दे पाएंगे, कितना दे पाएंगे. बट आपके पास है ही छोटा 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 10 से 15 सेगमेंट, देन इट इज़ वेरी ईजी, आप निकाल पाओगे उसको. एक्सपोर्ट का भी करंट सिनेरियो कैसा है और फ्यूचर में कैसा देख रहे हैं इसको आप? एक्सपोर्ट करंटली चाइना को छोड़ के एवरी वन इज़ बाइंग, नॉट ऑन 100% कैपेसिटी, बट खरीद रहा है और रेगुलर चल रहा है. बट हाँ, टाइम अभी जो है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, तो उस हिसाब से जो भी अपना प्रोडक्ट उसके क्वालिटी कंसिस्टेंसी पे काम करेगा वो टिकेगा सर, कोई इशू नहीं है. प्रोजेक्ट एक्चुअली स्टार्ट हुए 1.5 साल हो गया है, लेकिन अभी जो प्रोडक्ट रेंज हमने अलग अलग डेवलप की है वो लास्ट 10 to 12 मंथ से डेवलप किया हुआ है. तो जनरली अपन बोल सकते हैं कि 10 to 12 मंथ्स से मैं मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ. उसके पहले अवर कंप्लीट मशीनरी वॉज मैन्युफैक्चर्ड, सप्लाइड एंड इरेक्टेड बाय हरजीत पेपर्स, और आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड बिकॉज जनरली जो मैंने डिमांड किया था, जो क्वालिटी का, जो हिसाब से उसका स्पेसिफिकेशन डिज़ाइन हुआ था मशीन का, ई वॉज एबल टू मीट इन अ परफेक्ट रेट विच आई वॉन्टेड. सो वी ट्राइड, विल गिव अ चांस टू हिम. फ्यूचर में कुछ आप नया पेपर लॉन्च करेंगे? अभी सर कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन डिपेंड अपॉन द मार्केट सिनेरियो कि क्या चल रहा है, किसका फर्दर डिमांड बढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से हाँ पॉसिबिलिटीज़ है. B2B में तो आप सप्लाई कर रहे हैं, B2C में कुछ है आपका प्रोडक्ट आपके पास? B2B में हम जनरली बहुत कम सप्लाई करते हैं, 20% ऑफ आवर प्रोडक्शन कैपेसिटी वी आर सप्लाइंग B2C डायरेक्टली, दैट वी आर अप्रोचिंग कस्टमर्स आर गिविंग अस अवर वेंडर लिस्ट, और वो वेंडर लिस्ट पे हम काम करके कस्टमर्स को सप्लाई करते हैं. जनरली क्राफ्ट का मतलब सर कॉरुगेशन नहीं है, क्राफ्ट इज़ वाइड रेंज, अलग अलग एप्लीकेशन है, हज़ारों एप्लीकेशन है, तो डिपेंड अपॉन एप्लीकेशन. कॉरुगेशन में ओवर सप्लाई है, डिमांड कम है, तो उसमें थोड़ा इशू है. बाकी जो अलग अलग आप सेक्टर्स जाओगे तो इट इज़ फाइन. सर, इम्पोर्टेड फाइबर के आप यूज़ करते हैं? Yes. अभी इम्पोर्टेड फाइबर के जो प्राइजेस में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है सर. Yes. तो इसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में? नहीं, वो बाइंग सेलिंग है, पर डे व्हाट यू आर बाइंग, सेम रेट यू डिसाइड एंड सेम टाइम यू सेल, नो ओवर स्टॉकिंग और नो अंडर स्टॉकिंग. कि रेट ज़्यादा है स्टॉक कम करो, रेट कम है स्टॉक बढ़ाओ, जितना स्टॉक है उतना बाई करो और उतना सेल करो. लोकल मार्केट है सर, जैसे इम्पोर्टेड का रेट बढ़ता है तो यहाँ पे कस्टमर से हम डिमांड कर सकते हैं, एंड जो टाइप के कस्टमर्स है दे एग्री समटाइम्स, एंड समटाइम्स इफ दे डोंट एग्री वी नीड टू एब्जॉर्ब इट, पार्ट ऑफ अ बिजनेस. थैंक यू.